नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज है 13 मई, आज त्रयोदशी है, आज माता लक्ष्मी का ही दिन है, धनतेरस त्रयोदशी ही होती है। त्रयोदशी वाले दिन यदि आप घर में माता लक्ष्मी की पूजा कर दें, कभी आपके घर का धन खत्म नहीं होगा। महीने में 2 बार त्रयोदशी आती है। जो लोग रेगुलर त्रयोदशी के दिन माता लक्ष्मी के आगे घी का दीपक लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, गुलाब के पुष्प उन्हें अर्पित करते हैं और दूध से बनी हुई मिठाई यदि उन्हें अर्पित की जाए, आपके घर में दोस्तों कभी गरीबी आएगी ही नहीं, इस बात को आप लिख लें। और आज तो प्रदोष भी है, आज शुक्र प्रदोष है। आज संध्या समय आप शिव जी की पूजा करें, आज संध्या समय आप शिव जी को बिनी पत्र अर्पित करें, आपके घर में कभी भी धन खत्म नहीं होगा। आज के दिन दोस्तों संध्या समय लाल कपड़े के ऊपर माता लक्ष्मी की स्थापना करें, उन्हें गुलाब के पुष्प, कमल के पुष्प अर्पित करें, घी का दिया, अगरबत्ती लगाएं और उनके आगे खीर का प्रसाद रखें। माता लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र का जाप करें, 1 माला 2 माला 3 माला जितनी कर सकते हैं जरूर करें। आज दोस्तों बिली पत्र के ऊपर कुमकुम लगाएं और बिली पत्र के ऊपर ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जाप करें और बिली पत्र आज की शाम आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। पूजा पूरी होने के बाद उस बिली पत्र को उठा करके आप धन स्थान में रख दें, कभी भी आपके घर का धन खत्म नहीं होगा। आज संध्या समय शिवालय में जाकर के यदि आप घी में डुबो करके बिली पत्र शिव जी को अर्पित करते हैं, ओम श्रीम शिवाय नमः मंत्र बोलते हुए, हमेशा आपके ऊपर कुबेर की कृपा बनी रहेगी। आज आप 11 बिली पत्र लेकर के शिवालय में जाएं संध्या समय, क्योंकि आज प्रदोष है। प्रदोष में संध्या समय दोस्तों जो लोग भगवान शिव को बिली पत्र अर्पित करते हैं, वो भी यदि घी में डुबो करके, तो आपके घर का धन ऐश्वर्य रोड पर से चमकेगा, दुनिया में आपका धनवानों में नाम होगा। माता लक्ष्मी सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी। तो आज घर में माता लक्ष्मी की पूजा और शिवालय में जाकर के शिव जी की पूजा जरूर करें। जो बिली पत्र आप शिव जी को अर्पित करते हैं, मतलब जो एक या तो माता लक्ष्मी की पूजा करें, या तो दोनों यदि आप पूजा कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट है, ना कर पाए तो आप दोनों में से कोई भी एक पूजा करते हैं, चाहे आप शिव जी की कर लें चाहे माता लक्ष्मी की कर लें, लक्ष्मी आपके घर में आनी है और आनी है, ठीक है। जो बिली पत्र आपने शिव जी को अर्पित किए हैं उसमें से एक बिली पत्र ले लें और उसको उठाए, उसके ऊपर एक जायफल रख दें, जायफल लक्ष्मी प्रदान है, उसको लेकर के आए अपने घर में, माता लक्ष्मी के आगे समझो 2-4 मिनट के लिए आप उसको रख दें और ओम श्रीम शिवाय नमः का ओम श्रीम श्रीयै नमः मंत्र का आप जाप करें, ओम श्रीम श्रीयै नमः जाप करें और उसके बाद में 11 बार 21 बार इस मंत्र को बोल दें और बिली पत्र और जायफल दोनों को उठा करके आप अपनी तिजोरी में रख दें। जो लोग घर में माता लक्ष्मी की स्थापना करके पूजा नहीं कर पा रहे हैं, सीधे शिवालय में जाए, वहां जाकर के 11 बिली पत्र घी में डुबो करके शिव जी को अर्पित करें, उसमें से एक बिली पत्र उठाएं, उसके ऊपर जायफल रखें और जायफल रख करके उसको माता लक्ष्मी के आगे रख दें, 11-21 बार ओम श्रीम श्रीयै नमः मंत्र का जाप करें, उसके बाद में उसको उठा करके जहां भी आप धन रखते हैं उस जगह पर आप रख दें। दोस्तों धन के ढेर लग जाएगा, धन के अंबारे भरेंगे, अटंब लगेगा। जब लक्ष्मी घर में आती है तो बिना बोले आती है, जाती है तब भी वो बिना बोले जाती है। ये छोटे छोटे उपाय यदि आप समय समय पर करते रहे तो आपकी किस्मत दोस्तों बहुत जल्दी चमकेगी। इस उपाय को आप करके देखें, एक ही दिन में आपको अनुभव होगा, यस यू हैव डन समथिंग बेस्ट, कुछ आपने अच्छा किया घर की गरीबी और दरिद्रता को हटाने के लिए। करके देखिए, बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल दिन है त्रयोदशी, प्रदोष, शुक्रवार, बहुत ही पावरफुल दिन है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें, ये तमाम फ्रॉड लोग हैं जो मेरे नाम से आपको लूट रहे हैं।
सावधान रहें। जय श्री कृष्ण।